मेरे सारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथी और मेरे जितने यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथी हैं और जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे तो बच्चे ऐसे होंगे कि ये तीनों एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, पर ऐसे में बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर एक अच्छी खबर आई है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और यहीं पर यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर बहुत ही बड़ा वैकेंसी आया है यूपी पुलिस का, और इतिहास में पहली बार इतना बड़ा वैकेंसी आया है, पर उसमें भी बहुत सारे लोचा हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का। इस किताब को हम लोग बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। इस न्यू सिलेबस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसको देखते हुए इस किताब को डिजाइन किए जाते हैं और इस किताब के क्वेश्चन को बनाए जाते हैं, इसीलिए इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, पास ऑल पेपर है। किताब का खास बात यह है कि इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे पढ़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस किताब को पाना बहुत ही आसान है, अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा, चक्षु प्रकाशन का किताब तो तुरंत मिल जाएंगे। अगर वहां पर किसी तरह का दिक्कत होता है तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर तक दिया गया, तो फोन करके भी मंगवा सकते हैं। पहला लोचा तो आप लोग का सॉल्व हो गया, जो सबसे बड़ा था एज को लेकर। अब ये सॉल्व होने के बाद बच्चे लोग फॉर्म जो फिल कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं किन्हीं का नेम में गलती हो जा रहा है। कोई बोल रहे हैं कि भैया ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिया, नहीं करना था, जो मेरा फोटो था, जो फोटो लगाना था वो फोटो मैं बैकग्राउंड में ब्लू था इस टाइप का था और टोपी पहने हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि जो फोटो लगाया जाती है क्लियर रहना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए, विजिबल रहना चाहिए अच्छे से, मास्क लगाकर फोटो तो नहीं डाला जाता है। तो ये सब जो गलतियां होती है आगे जाकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। अब अभी तो आप नेम में थोड़ा गलती कर दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के जगह पे ओबीसी भर दीजिएगा, तो ये सब जो गलतियां होगा वो आगे जाकर बहुत ही बड़ा रूप लेता है और भर्ती में कहीं ना कहीं बाधा करता है। तो ये चीज देखकर भरना है, और करेक्शन के लिए भी मौका मिलेगा 17-18 को। तो करेक्शन के टाइम भी जिनका भी गलती हुआ, कोशिश करिएगा कि ये सही ही कर ले, और करेक्शन विंडो जब ओपन किया जाएगा तो उस टाइम तो सही ही कर लेना है, अदरवाइज पछताना पड़ेगा। और अभी मौका है, अभी आप लोग को फॉर्म भरने का मौका है, तो फॉर्म में सुधार कर लें, ठीक है। कहीं भी कुछ मिस्टेक ना हो, अच्छे से वीडियो देख लें, जानकारी ले लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। जहां तक बात है एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल, सारे के लिए फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात है तीनों में कि सारे अपने तय समय पर होते हैं, चाहे तो यूपी पुलिस वाले देख ले सारे तय समय है, एसएससी जीडी देख ले तय समय है, पर यहां पर ऐसे में बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर अभी तक लोचा लगा हुआ है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का आखिरकार एग्जाम कब होंगे, इसका क्या तय समय है। तो इंफॉर्मेशन कहां से आया है, कैसे आया है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। आप लोग जानते हैं कि मैं भी क्लियर तरीके से आपको सारा बात यहां पर नहीं रख सकता हूं, पर संभावना है, आप लोग समझ ले जो मैं बता रहा हूं, अंदर में ऐसा बात कहे गए हैं कि आप लोग का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, जो भी भर्ती है, जो भी एग्जाम है, जो भी भर्ती है, जो भी भर्ती रुका हुआ है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यानी जो भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो भी भर्ती में दिक्कत चल रहा है, चाहे जो भी कारण हो, उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को भी लेकर अब जो है बहुत ही जल्द डेट निकलने वाला है, और बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जल्द से जल्द लिया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाए, फिजिकल में लगे रहें, जो तीनों एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, एसएससीजीडी, तीनों में फिजिकल का बहुत ज्यादा जरूरत है। फिजिकल जोर शोर से करें, एग्जाम में कहीं भी लेट नहीं होगा, सारे अपने तय समय पर ही होंगे और कहीं भी लेट नहीं किए जाएंगे। तो तैयारी में लग जाएं, और जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, डेट आता है, तो मैं सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगा मैं सबसे पहले अपडेट कर दूंगा।